दोस्तों नमस्कार, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी को लेकर आता हूं, हर रोज़ आपके लिए एक नई बीमारी नई औषधि की जानकारी देता आ रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। दोस्तों आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते होंगे, मैं हर रोज़ एक नई बीमारी की नई जड़ी बूटी की खोज करके लाता हूँ और ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों जो बड़े से बड़े रोग को पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर देती हैं। प्रकृति ने हमें इतनी वरदान के रूप में, हमारे भारत के लोगों के लिए वरदान के रूप में ऐसी ऐसी औषधियाँ दी हुई हैं जो संसार में कहीं नहीं है। इतनी चमत्कारी औषधियाँ हैं दोस्तों, जैसे संजीवनी बूटी है, ऐसे अनेकों संजीवनी बूटियाँ हैं हमारे देश की धरती के ऊपर हर जगह, लेकिन हम इनको जानते नहीं हैं। इतनी चमत्कारी जड़ी बूटियाँ हैं जो बड़े से बड़े रोग को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती है। दोस्तों हमारे अनेक प्रकार की बीमारी, जैसे आपको लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, आपको गठिया की बीमारी, जोड़ों का दर्द की बीमारी, आपके पेट की बीमारी, कब्ज की बीमारी, आपके आंतों की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी, आपके बवासीर की बीमारी, आपको बीपी की बीमारी, आपको शुगर की बीमारी, आपके हार्ट की बीमारी, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको शुगर बढ़ रहा है, तो ये इतनी प्रकार की बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की आयुर्वेद में पूरी तरह से ये शक्ति रखता है आयुर्वेद। ये जड़ी बूटियाँ पूरी ताकत से इनको पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल 1001% प्रैक्टिकल जड़ी बूटियाँ हैं। आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर शोध करके हजारों लाखों लोगों पर प्रैक्टिकल करके इनकी जानकारी दी गई है और बाबा रामदेव जैसे लोग इस आयुर्वेद का पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले आयुर्वेद का प्रचार नहीं हुआ, जिससे हम अंग्रेजी दवाओं के ऊपर चले गए और सभी लोग अंग्रेजी दवाओं पर जागने से हमारे शरीर के अनेक प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। आज हर आदमी को गठिया की बीमारी हो रही है, हर लगभग आधे 50% को शुगर की बीमारी हो रही है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है। दोस्तों ये हमारी एक ना समझी की वजह से ये सारी बीमारियां हो रही हैं और ऊपर से ये जो जितने भी अंग्रेजी दवाएं हम खा रहे हैं इनके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों इस तरह आप अगर अंग्रेजी दवाओं पे डिपेंड रहेंगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन मत करो, लेकिन इन बीमारियां जो मैंने बताई हैं बीमारियां, ये सभी प्रकार की बीमारियां पूरी तरह आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं। लेकिन आज थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ा सा कहीं पेन हो गया, तुरंत अंग्रेजी दवाई खा लेते हैं, ये ऐसा ये शरीर के लिए हानिकारक है। प्रकृति ने हमें आयुर्वेद में अनेक जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, ये जो केमिकल है ये हमारे शरीर के लिए प्रकृति ने नहीं बनाए, ये हमारे शरीर पर नुकसान करते हैं। दोस्तों इसलिए मैं हर घर तक आयुर्वेद का प्रचार पहुंचाना चाहता हूं, आयुर्वेद की जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, ताकि गरीब से गरीब लोग इन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकें। दोस्तों अगर जानकारी अगर किसी को होगी तो तभी तो वो इन जड़ी बूटियों को पहचानेंगे और इन जड़ी बूटियों से इलाज करेंगे। इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए हर रोज़ डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियोज़ को देख करके अपनी जानकारी बढ़ा रहे होंगे और लोगों को जानकारी दे रहे होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करते हैं, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, तो आप भी समाज की भलाई के भागीदार बनेंगे, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है किन्हीं दवाओं के बारे में, जड़ी बूटियों की जानकारी उनको मिलेगी तो वो भी अपना इलाज जड़ी बूटियों से कर पाएंगे। दोस्तों
इसलिए दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को, जितने भी आपके पास नंबर है सभी के पास शेयर करें दोस्तों मेरे वीडियोज़ को। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी नई नई औषधियाँ खोज करके लाता हूँ, अपना समय भी ख़राब करता हूँ, तो दोस्तों इतना फ़र्ज तो मेरा भी बनता है आपसे, इतना तो मेरा भी हक बनता है। आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई, जब तक जिंदा हूँ, आपके लिए नई नई जड़ी बूटियों की जानकारी लेकर आता रहूँगा और आगे भी और भी नई नई बूटियों की, जड़ियों की, पेड़ पौधों की, औषधीय पौधों की जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों आज का ये जो पौधा देख रहे हैं ये आपका जाना पहचाना पौधा होगा, हर आदमी ने इनको देखा होगा, लेकिन इसकी ऐसे ही इसको एक वृक्ष समझ करके इनके फ़ायदे नहीं उठा पा रहे दोस्तों। दोस्तों ये लेसवा का एक छोटा रूप है। लेसवे के तीन प्रजाति हैं दोस्तों, एक बड़ा लेसवा था जो एक सवा इंच तक का, डेढ़ इंच तक का हो जाता है, ये दूसरा बीज की क्वालिटी है, दूसरे मध्यम आकार का होता है, और एक नस्ल और लेसवे की होती है, क्वालिटी होती है, वो और भी छोटा होता है, वो बिल्कुल 8-10 mm का ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों इनके गुण सब में एक ही है, लेकिन स्वाद भी वही है, लेकिन गुण सब के आयुर्वेद की दृष्टि से सब में बराबर है। प्रकृति ने इनको रूप में अलग अलग बनाया है, लेकिन आयुर्वेद जो इसके गुण है वो सेम बराबर है। दोस्तों अगर किसी को बवासीर है तो दोस्तों आप 4-5 फल इसके रोज़ाना खाकर देखिए, आपको एक हफ्ते में पूरी तरह से आपको बवासीर से पूरी तरह 100% आराम मिलेगा। दोस्तों अगर आपको कब्ज है तो 4-5 फल रोज़ खाएंगे तो दोस्तों कब्ज आपकी ऐसे जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग गए, ऐसे कब्ज आपकी पूरी तरह जड़ से ख़त्म होगी। दोस्तों ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ, आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इस नुस्खे को आजमा कर देखें। आप इसके पके हुए फलों को 4-5 रोज़ाना 8-10 भी खाएं, जितने भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका, लेकिन इसको खाएं ज़रूर, इसके इस्तेमाल करके देखें। दोस्तों बहुत ताकत के लिए ये बहुत वरदान है दोस्तों, आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी अगर इसका रोज़ाना आपको 5-6 फल इसके खाते हैं, 8-10 फल खाते हैं, तो आप घोड़े की तरह इतनी स्फूर्ति, इतनी ताकत आएगी आपको, बहुत ज़बरदस्त आपके शरीर में ताकत अपने आप, एक महीने इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप ताकत का खुद अजमा आपको खुद पता लग जाएगा। दोस्तों अनेक प्रकार की बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करती है दोस्तों, कब्ज को पूरी तरह से ख़त्म करती है। दोस्तों आप आके लीवर में, किडनी में, गुर्दे में कहीं इन्फेक्शन है तो दोस्तों ये सारा इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अगर आपका पेशाब कम आता है तो दोस्तों आपकी मूत्र की मात्रा को ये बढ़ाता है, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और आपके मूत्र की जो रुक रुक का आता है वो खुल कर आएगा, और मूत्र की जो जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म होगी दोस्तों। आपके ब्लड शुगर में अगर ये कंट्रोल करता है दोस्तों, आपका ब्लड शुगर को ये पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। दोस्तों अगर आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल मात्रा बढ़ी हुई है, तो दोस्तों आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये पूरी तरह से रेगुलर करेगा, उसको नॉर्मल करेगा, इसका लगातार सेवन करते रहें दोस्तों इसके अनेक चमत्कारी फायदे हैं, बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें।